दरअसल रविवार को जहां पीएम मोदी की रैली होनी है वहां से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर सुजमा इलाका जहां पर एक बड़ा एनकाउंटर हुआ, दो आतंकियों को वहां मार गिराया गया। इस मारे गए आतंकियों के पास से सुसाइड जैकेट बरामद हुआ, मेड इन पाकिस्तान जो दवाएं हैं वो बरामद हुई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि पीएम के दौरे को नुकसान पहुंचाने की ये साजिश थी सुजवा में जिस आतंकी का एनकाउंटर किया गया है, जिसे नाकाम कर दिया गया सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते। आतंकियों के पास से दो AK-47 राइफल बरामद हुई हैं। इसके अलावा कई और हथियार बरामद हुए हैं, गोला बारूद बरामद हुआ है, सैटेलाइट फोन बरामद हुआ है, दस्तावेज बरामद हुए हैं और सबसे अहम कि एक सुसाइड जैकेट बरामद हुई है, जिस सुसाइड जैकेट की आपको तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। सुसाइड जैकेट का आप ये साधारण भाषा में इसका अर्थ समझे कि जैकेट जिसको कि पहनकर वो एक सुसाइड बॉम्बर की तरह बन जाता है और सिर्फ एक क्लिक से कहीं भी बड़ा धमाका करने में पूरी तरह सक्षम हो सकता है। हालांकि जो दस्तावेज इन आतंकी से बरामद हुए हैं उनकी भी लगातार जांच की जा रही है। दवाई जो मिली है वो मेड इन पाकिस्तान है, यानी एक दफा फिर आतंकवाद का पाकिस्तान कनेक्शन साबित होता है। और इस वक्त हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। प्रदीप, ये बड़ा खुलासा है कि जिस जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है उसके ठीक 20 किलोमीटर दूर यह एनकाउंटर होता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये जलालाबाद का इलाका है और ये गली है और उसके अंदर जो मकान है वहाँ पे ये दो आतंकवादी छुपे हुए थे। ये बहुत बड़ा साजिश अंजाम देने जा रहे थे प्रधानमंत्री के दौरे से एक दिन पहले। अब देखिए, 24 तारीख को प्रधानमंत्री पल्ली पंचायत में पंचायत के लोगों को संबोधित करेंगे और उसके साथ साथ 700 पंचायत देश भर में वर्चुअली उनको भी संबोधित करेंगे। उसके अलावा 1 लाख के करीब लोग उस रैली में प्रेजेंट होंगे। अब देखिए, जो वो पल्ली का इलाका है वो यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर ये जैश ए मोहम्मद के आतंकवाद आते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह जी से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा ये जैश ए मोहम्मद के फिदाइन स्क्वाड यानी कि सुसाइड स्क्वाड के आतंकवादी थे, वो यहां मिशन के साथ आए थे, शायद उनका किसी आर्मी हेडक्वार्टर को टारगेट करने का था। ये सुजवा में पहली बार नहीं है कि आतंकवादियों ने हमला किया या आर्मी कैंप को टारगेट किया। 2003 में भी किया था, 2018 में भी किया था और 2022 में भी कुछ ऐसी कार्रवाई अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास काफी भारी मात्रा में असला बरामद हुआ है। उसके साथ साथ सुसाइड वेस्ट यानी कि मरने और मारने के इरादे से आए थे, सुसाइड वेस्ट यानी कि जो उनकी जो बुलेट प्रूफ जैकेट जैसी थी उसके साथ उन्होंने जो आईडी लगा हुआ था, यानी कि अगर वो ऑपरेशन के दौरान मारे जाते हैं उसके बाद वो आईडी ब्लास्ट होता है, उसके बाद भी वो कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उनका वो जो मिशन था वो भी विफल कर दिया है। मेरे ख्याल से जितनी सराहना की जाए हमारे जवानों की उतनी कम होगी, क्योंकि अपने सीने पर उन्होंने गोलियां ली हैं, लेकिन देश को की आन बान शान का पूरा ध्यान रखते हुए उन्होंने दोनों आतंकवादियों को मार गिराया और इंश्योर किया है कि ये यहां पे नुकसान ना पहुंचाए, किसी सिविलियन को नुकसान ना पहुंचाए। बिल्कुल, वापस आपसे और जानकारी लेंगे, लेकिन इसी बीच डीजीपी दिलबाग सिंह ने क्या कहा इस घटनाक्रम को लेकर के, वो जरा सुनवा देते हैं। सी आर ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स बोथ फ्रॉम द पुलिस, फ्रॉम द आर्मी, फ्रॉम द सीएसएफ एंड फ्रॉम अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस हैव डन अ वंडरफुल जॉब। Based on a specific input, an operation was launched by Jammu and Kashmir Police, or I'm very glad to say that this operation has been concluded very successfully. Despite the fact that two terrorists of Jaish-e-Mohammed of Pakistani origin had come with a mission to launch a suicidal attack on some security force camp, this attempt has been foiled. Terrorists have been eliminated. I congratulate my officers and men who are working for this operation and compliment the security forces who have participated in this operation. तो डीजीपी दिलबाग सिंह जो कह रहे थे वो आपने सुना। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी लगातार इसी जगह मौजूद है। प्रदीप, अगर वो आप जगह का आसपास का भी मुआयना दर्शकों को करा पाए कि क्या वो जगह है जहां पर कि ये आतंकी पकड़े गए और उनका एनकाउंटर हुआ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये जलालाबाद का इलाका है, 20 किलोमीटर दूर पल्ली पंचायत से जहाँ प्रधानमंत्री आके संबोधित करने जा रहे हैं 24 को। ये वो गाड़ी है पुलिस की, सुबह 3:30 बजे सबसे पहले जैसे ही कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन लगता है उसके बाद आतंकवादी जो दो हैं जिनके पास काफ़ी हथियार होता है फायरिंग करते हैं और उसके बाद एक ग्रेनेड दागते हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रेनेड फटने के बाद इस गाड़ी की पूरी हालत पूरी तरह से
छलनी कर दिया इस गाड़ी को, छन्नी की तरह बना दिया। आप देखिए स्प्लिंटर जो है अंदर तक घुस गए हैं। उसके अलावा फायरिंग भी होती है, देखिए कुछ बुलेट्स यहाँ से गाड़ी के निकल जाते हैं, कुछ जवान इंजर्ड होते हैं और उसके बाद एक और ग्रेनेड दागा जाता है। आप देख सकते हैं जब वो ग्रेनेड लगता है तो यहाँ पे आके सड़क की इस जगह पे ग्रेनेड फटता है, क्योंकि बस उस समय CISF के जवान लेकर जा रही थी। आप देखिए सड़क की हालत पूरी तरह से, सड़क उखड़ चुकी है और उसके बाद आप देख सकते हैं ये शीशे जो यहाँ पे सारे पड़े हुए हैं, ये उस बस के शीशे हैं जिसमें CISF के जवान यहाँ से जा रहे थे। यानी कि उन्हें मालूम था यहाँ से CISF की गाड़ी निकल सकती है और उन्होंने ग्रेनेड दागा जिसमें CISF के जवान इंजर्ड हो जाते हैं। अगर पूरे ऑपरेशन की बात करें तो 11 के करीब सुरक्षाकर्मी इंजर्ड होते हैं, एक सुरक्षाकर्मी जवान जो है वो शहीद हो जाता है और दो आतंकवादी मारे जाते हैं। ये वो गली है जिसके अंदर वो दौड़ के चले जाते हैं और घर में अंदर छुप जाते हैं। उसके बाद पूरी तरह से कॉर्डन लगा दिया जाता है, चारों तरफ से कॉर्डन लगा दिया जाता है ताकि आतंकवादी वहां से भाग ना निकले। और 6 घंटे तक ये ऑपरेशन चलता है। 6 घंटे के ऑपरेशन में दोनों जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी जो कि सुसाइड स्क्वाड के माने जाते हैं उनको मार दिया जाता है। उनका इरादा था जो 36 इन्फेंट्री ब्रिगेड है सुजवा की, उस इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अंदर घुसने की पूरी उनकी कोशिश थी, लेकिन उसको पूरी तरह से नाकाम कर दिया सुरक्षा बलों ने। यही वजह है कि दिलबाग सिंह पूरी तरह से उनकी सराहना कर रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, एक तो इंटेलिजेंस इनपुट्स की वजह से और दूसरा जिस तरीके से उन्होंने दीवार की तरह खड़े रहे गोलियों के सामने और उन्होंने कोशिश की कि इन दोनों आतंकवादियों को मार गिराया जाए। अब आपको बताते हैं कि उनके पास क्या था। अब आप देखिए जो उनका वेस्ट था, जो उनका जैकेट था, वो देखिए जैकेट जो था वो सुसाइड जैकेट था। सुसाइड जैकेट के साथ ID लगा हुआ था, यानी कि मरने और मारने के इरादे से आए थे। यानी कि अगर वो मारे जाते हैं किसी तरीके से एनकाउंटर में, उसके बाद भी जब लाश को उठाने के लिए अगर सुरक्षाकर्मी जाएंगे तो आईडी फट जाएगी, उससे काफी नुकसान होगा। यही स्ट्रेटेजी जैशे मोहम्मद ने पठानकोट एनकाउंटर के दौरान की थी, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सिपाही की जान चली गई थी। तो इस बार सुरक्षाकर्मी ने पहले वहां पे ट्रैकर डॉग को भेजा, स्निफर डॉग को भेजा, उन्हें जब पता चला कि वहां आईडी है, पूरे इलाके को क्वार्टर रखा। देखिए अभी भी यहां से आगे किसी को जाने नहीं दे रहे, उन्हें लगता है कि हो सकता है कोई और इंप्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, इसे बूबी ट्रैप कहा जाता है। यानी कि आप ट्रैप पे फंस जाते हैं, आप अंदर जाते हैं और आपका नुकसान हो जाता है। यानी कि पूरा एक मिशन बना के आए थे, पास उनके सैट फोन था, अपने आकाओं के साथ पूरी तरह इन टच थे। पाकिस्तान की एक बार फिर से पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है, ये पेरास्टामोल मेड इन पाकिस्तान सब कुछ बयां करती है कि ये जो साजिश ये एक बार और तस्दीक करता है कि पाकिस्तान की टेररिज्म में इन्वॉल्वमेंट कितनी गहरी है और पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की जो बात भारत लगातार करता है एक बार फिर उसके ऊपर मोहर है। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका हम लोग जुड़ने के लिए और वहां की सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। पाकिस्तान के टेरर प्लान को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी अपनी 56 पन्नों की चार्जशीट दायर की और इस चार्जशीट में एक बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा ये कि पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों को ट्रेन करती है। हालांकि ये बात लगातार दशकों से हम लगातार सुनते समझते और कहते आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर इस 56 पन्नों की चार्जशीट इस बात पर मोहर लगाती है कि पाकिस्तानी सेना आतंकियों को ट्रेन करती है। दरअसल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में दो आतंकी आते हैं, नाम है जीशान और उसामा। वो एक तस्वीर को देखते हैं और वो तस्वीर थी मेजर हमजा की, जो कि आतंकियों का ट्रेनर होने की बात उन दोनों आतंकियों ने स्वीकारा। और मेजर हमजा कौन है? मेजर हमजा पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा का एक सीधा हाथ है, उनका दाया हाथ है। एक रिपोर्ट देखिए जरा। सबसे पहले आपको हम वो तस्वीर दिखाते हैं जो हर हिंदुस्तानी के लिए अभिमान की बात है। हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की। ये वो तस्वीर है जब अभिनंदन पाकिस्तान में रह गए थे। अब इस तस्वीर का दूसरा पहलू आपको हम बताते हैं। इस तस्वीर में अभिनंदन के आसपास दिखाई दे रही ये पाकिस्तान के रेंजर हैं। तस्वीर को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। पुणे में खड़ा ये व्यक्ति पाकिस्तान की सेना का मेजर हमजा है, जनरल बाजवा का राइट हैंड। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये कागजात दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है। इस 56 पन्नों की चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने विस्फोटक खुलासा किया। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में जनरल बाजवा के मेजर हमजा को आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने वाला बताया है। तो पाकिस्तान की जो ISI है ये कई सालों से टेररिस्ट को उनके ट्रेनिंग कैंप्स में ट्रेनिंग दे रही है। पाकिस्तान के ऑफिसर्स हैं इसमें शामिल हैं, पाकिस्तान के JCOs हैं। ये खासतौर पे जो ट्रेनिंग कैंप्स खैबर पख्तूनवा एरिया में है और वजीराबाद के एरियाज में है।
पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी सेना बेपर्दा हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के पास सेना द्वारा आतंकियों को ट्रेनिंग देने के सबूत मौजूद है। आतंकियों का मेजर हमजा को आतंकी ट्रेनर के तौर पर पहचान लेना पाकिस्तान की आर्मी का टेरर कनेक्शन साबित करता है। हिंदुस्तान की फौज को इसकी खबर रहती है और हमने एक डोजियर भी तैयार किया था इसके ऊपर पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, जो यूनाइटेड नेशंस में और इंटरनेशनल एजेंसीज में पेश किया गया था, उसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में भी आया था। अब हम आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में जीशान कमर और उसामा नाम के जो दो आतंकी हैं, उन्होंने पूछताछ में क्या क्या खुलासा किया। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना आतंकियों को ट्रेनिंग देती है। आतंकियों ने पाकिस्तानी मेजर की तस्वीर की पहचान की। अभिनंदन के साथ तस्वीर में दिखाई दे रहा है पाकिस्तानी मेजर। ट्रेनिंग देने वाले पाकिस्तानी मेजर का नाम हमजा है। पाक मेजर हमजा पाकिस्तान के इस्लामाबाद में रहता है। आतंकी जीशान ओसामा को मेजर हमजा ने ट्रेनिंग दी। मेजर हमजा अभिनंदन की गिरफ्तारी के वक्त भी मौजूद रहा। अब आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान की सेना कैसे एक बार फिर बेपर्दा हुई। दिल्ली पुलिस ने दो आतंकियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ हुई। दोनों आतंकियों की पहचान 28 साल के जीशान कमर जो प्रयागराज का रहने वाला और दूसरा 22 साल का ओसामा जो दिल्ली के जामे नगर का है। दोनों की गिरफ्तारी आतंकी साजिश को अंजाम देने के आरोप में हुई। इन दोनों ने पूछताछ में पाकिस्तानी मेजर हमजा की पहचान की और बताया कि उन्हें आतंक की ट्रेनिंग देने वाला मेजर हमजा ही है। जीशान और ओसामा को रावलपिंडी में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी गई। इसकी जो ISI है ये बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रही है और जितने भी टेररिस्ट हैं जिनकी जो ट्रेनिंग हो रही है वो कैंप्स में हो रही है जो ISI ऑर्गेनाइज करती है पाकिस्तान में। अफगानिस्तान का जो बॉर्डर का इलाका है वहां पे मैक्सिमम इनके कैंप्स हैं। दिल्ली में पकड़े गए आतंकी जीशान और ओसामा ने न सिर्फ पाकिस्तान के ट्रेनर मेजर हमजा को पहचाना बल्कि ये भी बताया कि हमजा कैसे उन्हें आतंकवाद का पाठ पढ़ाता था। यह पूरी ट्रेनिंग 3 शिफ्ट में दी जाती थी। दंगे के वीडियो दिखाए जाते थे, ब्रेन वॉश किया जाता था, हथियार चलाना और धमकाना सिखाया जाता था। इसके अलावा प्लान ए पर फोकस और प्लान बी पर काम करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। दिल्ली पुलिस ने जीशान और ओसामा से पूछताछ में मिली हर जानकारी का चार्जशीट में जिक्र किया। दिल्ली पुलिस को पूछताछ में जीशान और ओसामा ने यह भी बताया कि आतंक की ट्रेनिंग देने वाले मेजर हमजा जैसे लोग उन्हें टेरर टारगेट भी देते थे। मसलन ट्रेनिंग के बाद बड़े रेलवे स्टेशन, रेल की पटरी, चलती ट्रेन, बड़े बस स्टैंड, देश भर के बड़े पुल, भीड़ वाले बाजार, बड़े शॉपिंग मॉल जैसे स्थानों को टारगेट करने का टास्क दिया जाता था। दिल्ली पुलिस के 56 पन्नों की चार्जशीट में पाकिस्तान के खिलाफ सबूतों का पूरा पुलिंदा है। ऐसा नहीं कि भारत पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ सबूत दे रहा हो, लेकिन आतंक परस पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं करता। और इंडिया अपनी तरफ से अपनी कोशिश कर रहा है कि इस चीज को इंटरनेशनल फोरम में लेके आए और काफी हद तक हमको इसमें सक्सेस मिला है। भारत में संसद पर हमले का गुनहगार मसूद अजहर हो या 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, भारत के हजार सबूत देने के बाद भी पाकिस्तान में ये रसूखदार जिंदगी बसर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन नाम के लिए ही सही, कार्रवाई का ढोंग पाकिस्तान जरूर करता है।